दोनों सोए हुए हैं। मम्मी जी ने फाइनली चाउमीन बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, प्यारी सी सुबह हो चुकी है और आज है संडे। सो आज हम थोड़ा लेट उठे और अभी हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और पोस्ट पे भी नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और स्टडी में जुट चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल। हमने भी साफ सफाई की, कपड़े वगैरह धोए, अब हम फ्री हो चुके हैं। सो अब मैं जा रही हूँ किचन में। मम्मी जी बोल रहे हैं कि आज चाउमीन बनाना है, किचन में आ जाओ। सो मैं जा रही हूँ मम्मी जी के साथ किचन में और पोस्ट कर रहे हैं स्टडी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं किचन में। शाम को हमने गांधी जी की मूवी देखी। सैटरडे को, हर सैटरडे और संडे को हम एक मूवी देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों को बताने के लिए मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है। हालांकि आजकल की जनरेशन को वो मूवी पसंद नहीं आएगी, पर अगर ध्यान से हम उस मूवी को देखें तो बहुत अच्छी मूवी है और हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो आप भी जरूर देखें। गाइस, अभी प्रीति जा रही है किचन में मम्मी जी के साथ। आज चाउमीन बना रहे हैं। संडे को हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। गाइस, अभी हम किचन में पहुंच चुके हैं और मम्मी जी शिमला मिर्च और प्याज काट रहे हैं और पीछे कढ़ाई में पानी रख दिया है उबालने के लिए। इसमें चाउमीन को उबालेंगे और उसके बाद साफ करेंगे। चाउमीन बनाने का प्रोग्राम आज हमारा अचानक से बन गया, इसलिए हमारे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है हम उनका ही उपयोग करेंगे। सो शिमला मिर्च प्याज काट रहे हैं मम्मी अभी। इसमें मम्मी जी ने पहले ये थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। हमारा पानी उबल के तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम नूडल डालेंगे। ये चाउमीन को उबालने के लिए डाला हुआ है। आपको इसको 80% तक ही पकाना है और उसके बाद इसका ये पानी निकाल लेना है। तो गाइस, मम्मी जी अब तड़का लगाने वाले हैं नूडल्स में। मम्मी जी ने गैस पे कढ़ाई रख दी है। मम्मी जी खाने के बहुत शौकीन हैं, तो मम्मी जी हमें रोज़ नई नई चीज़ें बनाकर खिलाते हैं। आज चाउमीन बना रहे हैं। अभी प्याज, मिर्च और लहसुन डाला हुआ है। अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे और अब इसमें करेंगे काली मिर्च पाउडर भी करेंगे थोड़ा सा यूज। इसमें शिमला मिर्च, नमक हमने पहले डाला, इसमें थोड़ा कम डालेंगे। ये टमाटो केचप और सोया सॉस जो कि अब यहाँ पे ऐड करेंगे। टमाटो केचप डाल दिया मम्मी जी ने शिमला मिर्च में और सोया सॉस भी डालेंगे। आज संडे है, सो आज हम लंच टाइम में राजमा और चावल खाएंगे। सो राजमा की दाल हमने बना ली है, चावल डालेंगे थोड़ी देर। बनके तैयार हो गई है। तो मम्मी जी ने फाइनली चाउमीन बनाकर तैयार कर ली है। काली मिर्च तो रही है गई, काली मिर्च डालते हैं थोड़ी सी।
हमारा चाउमीन बनकर तैयार हो चुका है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और खाने के लिए यहाँ पे उतावले हो चुके हैं आदमी। कैसा बना है? होममेड चाउमीन, हमारी प्लेट्स खाली हो चुकी है। कैसा बना था चाउमीन? चलो कर ले शनिवार है रब रात, थोड़ा सा और होता तो मजा आ जाता। बहुत अच्छा बना। खाना खाने के बाद अब देखिए रेस्ट लगा हुआ है। सास और बहू दोनों सोए हुए हैं। देखिए कितने लंबे लंबे बाल है प्रीति, ये क्या राज है इन लंबे बालों का? क्यों बताएं? बता दो। नहीं क्यों बताएं? मैंने भी बढ़ाने हैं इतने लंबे लंबे बाल, तो आप मेरे ले लो। आज फुल डे रेस्ट रखा हुआ है, संडे का दिन। देखते हैं अब कोई। कौन सी मूवी देख रही है? मां जी नहीं की है, आपने डाउनलोड किया? ये फिर देखा दूसरे वो प्रीति देखनी। प्रीति बोल रही है मां जी द माउंटेन मैन मूवी देखने के लिए। और मम्मी जी कौन सी देखना चाहते हो? मैं खुद करूंगी अब डाउनलोड। ये खुद करना चाहते हैं डाउनलोड, सभी की अपनी अपनी अलग अलग फरमाइश है। मैंने कर लिया डाउनलोड मां जी। चलो देखते हैं अब कौन सी देखते हैं। तो मम्मी से आप दवा के देखते हैं जब मन जी देखते हैं। नहीं मूवी देखने के लायक इतना टाइम नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम सैटरडे और संडे को निकालते हैं हम और देख लेते हैं। मूवी होनी चाहिए कोई मोटिवेशनल सी, जिससे कोई ये बढ़िया सी सीख मिले। लग जाएंगे रात देख लेते हैं कोई अच्छी सी मूवी।